हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आई होप सब लोग ठीक ही होंगे। सो इफ़ यू आर न्यू हियर, माय नेम इज़ पूजा और आज मैं आप लोगों के साथ एक चाय की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और टाइटल देख के आप लोग समझ गए होंगे, हल्दी वाली चाय की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। सो रिसेंटली मैंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट किया था ये हल्दी वाली चाय का क्लिप। सो मुझे DMs आए थे कि आप ये चाय क्यों ले रही हो, किस लिए ले रही हो, प्लीज़ बताइए। सो अलग अलग बताने से अच्छा है एक वीडियो में बता दो ताकि लोगों की हेल्प हो जाए। तो मैं बता दूं कि मैं अभी अपनी वेट लॉस जर्नी पे हूँ, ठीक है। मुझे 4 to 5 months से भी ऊपर हो गया है अपनी वेट लॉस जर्नी में आए हुए। बट टर्मरिक टी लेना मैंने अभी से स्टार्ट किया है, मतलब कुछ दिनों पहले से, कई दिन हो गए हैं तो मैंने स्टार्ट किया है और मुझे उसका बेनिफिट मिला है। तो मुझे लगा कि ये बेनिफिट मैं आप लोगों को भी दे दूँ। टर्मरिक टी के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि आपको डायबिटीज़, शुगर की प्रॉब्लम से बचाती है, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपका इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी बूस्ट करती है। सो जैसा कि अभी कोरोना का ये पैंडेमिक चल रहा है, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें, अच्छा रखें, तो हम थोड़ा बचे रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो उसके लिए भी ये चाय बहुत फ़ायदेमंद होती है। और हार्ट प्रॉब्लम जो होती हैं और जो सॉइलिंग की प्रॉब्लम होती है, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और वेट लॉस में कैसे फ़ायदेमंद होती है कि किसी किसी का क्या होता है ना, कहते हैं कि वेट लॉस नहीं हो रहा। तो किसी किसी का जो मेटाबॉलिज्म रेट होता है ना, वो लो होता है, जिसकी वजह से उनका वेट लॉस नहीं होता है। सो ये हल्दी वाली चाय आपका मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो बेटर बनाती है, उसको अच्छा बनाती है, जो कि आपके वेट लॉस में बहुत फ़ायदेमंद होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। मतलब मैं क्या बताऊँ, क्योंकि मैं जब से इसको ले रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि मेरा जो वेट लॉस है वो फास्टर हुआ है। तो इसीलिए मुझे इसका बेनिफिट हुआ है। और इस चाय को बनाना कैसे है और मैं इसको लेती कैसे हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। बट पहले इसको बनाते कैसे हैं वो आप लोग देख लीजिए। सो यहाँ मैंने पैन में 250 ml से ज़्यादा थोड़ा सा पानी लिया है, उसमें मैंने हल्दी डाली है, ये 1 teaspoon हल्दी है, थोड़ा सा अदरक डाला है। और इसके बाद हमें इसको इतना पकाना है कि ये जो एक ग्लास पानी है ये आधा ग्लास रह जाए, ऑलमोस्ट 1 cup के करीब। फिर यहाँ पे मैंने काली मिर्च ली थी वो ज़रा सी डाल ली है, ज़रा सी अजवाइन ली है वो डाल लूँगी, और ज़रा सा मैं जीरा डाल लूँगी, तो वो भी आप देख सकते हो। और क्वान्टिटी भी आप देख सकते हो कि मैं 1 cup चाय के लिए कितनी सी क्वान्टिटी ले रही हूँ। और इसे कम से कम 5 मिनट तक पकाएंगे, 5 मिनट के बाद ऑलमोस्ट ये 1 cup के करीब आ जाएगी हमारी जो चाय है वो हो जाएगी पानी पकते पकते। और उसके बाद इसको मैं कप में निकाल लूँगी और थोड़ी देर 1-2 मिनट रखूँगी, उसके बाद फिर इसको मैं सिप सिप करके पी लूँगी। तो हमारी ये हल्दी वाली जो चाय है वो पूरी तरह से तैयार है। सो रेसिपी आपने देख ली, बहुत ही इजी है इसको बनाना। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप ये हेल्दी वाली चाय अपनी जो आपकी डेली लाइफ है, आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल पहले सबसे पहले लीजिए, क्योंकि जब तक आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं होगी, आप अच्छे से अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी नहीं रखोगे, तब तक आपका वेट लॉस नहीं होगा। हेल्दी लाइफस्टाइल मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वेट लॉस में। उसके बाद अपना लाइफस्टाइल सुधारिए और डेली अर्ली मॉर्निंग में मैं इसको लेती हूँ एम्प्टी स्टमक इसको बनाने के बाद, और इसके साथ 5 soaked almond लेती हूँ, वो भी खाती हूँ और इसको सिप सिप करके मैं पी लेती हूँ। और आप चाहो तो आप इसको लंच के बाद भी ले सकते हो, बट मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आप 1 से 2 cup ही ले रहे हो, जैसे एक मॉर्निंग में ले लो और ठीक है एक लंच में ले लो, बट मैं तो सिर्फ 1 ही cup लेती हूँ, सिर्फ वो भी मॉर्निंग में। तो मैं आप लोगों को बोलूँगी बहुत ज़्यादा भी लेने की ज़रूरत नहीं है, 1 cup इज इनफ, ठीक है। तो इस तरह से आप ले सकते हो और प्रॉपर 7 to 8 hours का आपको नींद लेना है। आपका अपनी नींद का भी बहुत ध्यान रखना है, टाइम से सोइए, टाइम से उठिए, अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए और ये हल्दी वाली चाय पीजिए। आपको वेट लॉस में जरूर से फायदा होगा, बहुत हेल्प करेगी आपके वेट लॉस में। सो आई होप आप लोगों को मेरा ये जो वीडियो है थोड़ा सा पसंद आ जाए। वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लीजिएगा। और अब मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन बाय, नमस्ते।